हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए, अपना टॉपिक क्या चल रहा है, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। उसकी मैंने 2 क्लासेस खत्म कर ली है, आज इसकी थर्ड क्लास है। इसके अंदर अपन 2 आइडेंटिटी कवर करेंगे। कल अपन ने कवर की थी एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आज अपन करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन भी करवा दूंगा जो अपन ने 2 क्लासेस में कंप्लीट किया है। और अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ दोनों वीडियोस को आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। रिवीजन में क्या है कि अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर कुछ संख्या दे रखी हो तो अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे। तो अपन क्या करते थे, इस पी स्क्वायर को माइनस टू कर देते थे, ठीक है। और यहां पर केवल टू इसलिए रखते थे क्योंकि यहां पर ए बी की जो वैल्यू है वो आपस में कट जाती थी क्योंकि ये सेम थी। अगर यहां पर डिफरेंट वैल्यू आती है तो ए बी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ये आपको याद होगा, मैं उम्मीद करूंगा। देखिए, सेकेंड अपन पढ़ते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अगर उसकी वैल्यू अगर आपको पी दे रखी हो और अपन से पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस है ना, इसकी माइनस की वैल्यू भी प्लस में ही आती है, क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, बस इसका उल्टा कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस टू ए बी कर देंगे। और ये कैसे आया है सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। बस ये तो दो मैंने आपको बता चुका। एक मैंने और आपको आइडेंटिटी बताई थी, वो आइडेंटिटी क्या थी, वो थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। उसमें तो कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं थी कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसका इसको करेंगे अपन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, बस इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ अपन ने क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे कर लिए थे, ठीक है। अब अपन आज स्टार्ट करेंगे क्यूब वाली, और क्यूब में क्या है, सबसे पहले प्लस वाली, ठीक है। दो आइडेंटिटी कवर करेंगे इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले एक आइडेंटिटी होती है जो अपन ने सभी ने नाइन्थ क्लास में पढ़ी है। क्या पढ़ा था अपन ने नाइन्थ क्लास में, एक बेसिक सी आइडेंटिटी थी, ए प्लस बी का होल क्यूब, याद आ रहा है सबको? क्या होता है, देखिए इसका क्या होता है, ए क्यूब होता है, बी क्यूब होता है, प्लस थ्री ए बी होता है, और ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। याद आ गया होगा सबको, उम्मीद करूंगा कि याद आ गया होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए, बात करेंगे अपन अपने इस एलजेब्रा की क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। देखिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कोई संख्या पी दे रखी है, कोई भी संख्या, ठीक है, और अपन से फाइंड करवाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, बताइए तो कैसे करेंगे। देखिए, वही फंडा है सारा का सारा कि अपन इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है कि ऐसी फंक्शन मिल जाए अपन को, जरूर मिलेगी, कि अगर मैं इसकी होल का क्यूब करूंगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो फाइंड होगा ना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बस इसका होल क्यूब करके देखेंगे कि कैसे अपन को ये लाना है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, इससे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस थ्री ए बी, ए बी का मतलब क्या है, ये रहा एक्स वन अपॉन एक्स, यहां तक भी हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में है ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्या मतलब है, देखो ए प्लस बी का क्या मतलब है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, क्या पी लिख सकता हूं इसको, क्योंकि देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पी तो था ना, ठीक है। तो अब अपन को फाइंड क्या करना है, और बराबर में क्या है, पी क्यूब, सही है, पी क्यूब ही है ना, ये रहा पी क्यूब, इसका भी तो अपन ने क्यूब किया था ना बराबर वाला, ठीक है। अब अपन को निकालना है ये एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, यानी इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो इसको एक तरफ पड़े रहने दो, बराबर, उनको वहां फेंक देंगे तो क्या आएगा, पी क्यूब, यहां पर प्लस है तो वहां पर माइनस चला जाएगा थ्री, ठीक है। ये क्या है, ये है ए बी, थ्री ए बी। अब देखो यहां पर तो क्या सेम था, तो अपन नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन अगर डिफरेंट वैल्यू आएगी तो अपन को लिखना पड़ेगा, थ्री ए बी, और उधर क्या है, पी, ठीक है, और बस यही है। यानी कि देखो, मैंने आपको पहले डराइव करा दिया कि ये निकला कैसे है, लेकिन अपन इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट में क्या करेंगे, पी क्यूब माइनस थ्री ए बी पी, थ्री पी ए बी। देखो अब बताता हूं मैं आपको, सीधी सिंपल सी कहानी है। अगर देखो कि बेसिक सी फॉर्म बने
और अपन को दे दिया हुआ हो कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है। वो तो मैंने आपको बताया कि कैसे आया है, पी दे रखा हो और पूछे कि एक्स की घात क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की घात क्यूब क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पी का क्यूब कर देंगे, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। माइनस लगाएंगे, प्लस वाला माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस थ्री ए बी और पी, ठीक है, पी क्यूब माइनस थ्री ए बी पी, समझ में आ गया। बस इतना सा काम कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे सभी, बस ये याद रखना है। अब देखो ए बी क्या होता है, ए बी अगर कभी कभार देखो सेम वैल्यू आ जाती है तो अपन ए बी को नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि कट के एक ही हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पी क्यूब माइनस थ्री पी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो पी क्यूब माइनस थ्री पी तो रहेगा ही, उसमें ए बी और जोड़ देना, बस बस इतना सा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से, इसी आइडेंटिटी पर है। देखिए आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, अपन ने अभी तक तीन आइडेंटिटी कंप्लीट की है, आज दो और हो जाएगी, पांच हो जाएगी, उसके बाद अपन कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन पर क्या मैं ही लिखूंगा, स्क्रीन पर नहीं आएगा, हाँ ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इस आइडेंटिटी के लिए अंडर रूट फाइव दे रखा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब अपन से पूछ रहा है वही कि है ना, ये बता दो, निकाल लेंगे। देखिए क्या है कि a और b की जो वैल्यू है वो सेम है, वो कट जाएगी, कट जाएगी, तो मैं इसको लिखूंगा पी क्यूब माइनस थ्री पी, बस इतनी सी चीज लिखूंगा और आंसर निकल जाएगा। पी क्यूब का क्या मतलब है, अंडर रूट फाइव का होल क्यूब माइनस थ्री पी, क्या है, अंडर रूट फाइव ही तो है, यही तो है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट फाइव, देखो किसी को गुणा नहीं करना आता हो तो देखो सिखा देता हूं, अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट फाइव, इसका मतलब यही है, तीन बार गुणा कर लिया, माइनस तीन अंडर रूट फाइव, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अंडर रूट फाइव को अंडर रूट फाइव से गुणा करूंगा तो पांच आता है, अंडर रूट हट जाएगा, तो पांच अंडर रूट पांच माइनस तीन अंडर रूट पांच, क्या आंसर यही आ रहा है कि सबका, दो अंडर रूट पांच, समझ में आ गया, कितना ईजी था, केवल ये चीज याद रखनी है इसके अंदर। अगर ए बी की वैल्यू डिफरेंट है तो यहाँ पे ए बी और इंट्रोड्यूस कर देंगे, आ रहा है समझ में, देखिए और आएगा, अच्छी तरह से आएगा, दो अंडर रूट पांच इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है, अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट सेवन, और पूछ रहा है कि एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार ये कौन सी आइडेंटिटी है, यहां पे रूट एक्स है, यहां पे एक्स रूट एक्स है, ना कोई क्यूब है ना कोई स्क्वायर है, लेकिन मैं कहूंगा देखो ये क्यूब वाला केस है, कैसे है, देखो अपन इस एक्स को क्या लिख सकता हूं, मैं एक्स की पावर एक बटा दो लिख सकता हूं, क्योंकि रूट एक्स एक बटा दो घात होती है, प्लस वन अपॉन एक्स की पावर वन बाय टू लिख सकता हूं इसको, ठीक है। क्या दे रखा है, अंडर रूट सेवन दे रखा है, ठीक है भैया ये तो क्लियर है। अब ये क्या है, देखो एक्स की पावर यहां पर तो एक है, और इसके ऊपर क्या है, एक्स की पावर आधी है यानी एक बटा दो है, तो क्या हो जाएगी, एक्स की पावर तीन बटा दो लिख सकता हूं इधर, और उसी तरह से वन अपॉन एक्स की पावर तीन बटा दो यहां लिख सकता हूं, यही है ना। अब आपको दिखेगा देखो क्यूब है, यहां पर एक बटा दो है, उसकी घात तीन करूंगा तो तीन बटा दो है, यानी कि सेम वही केस है, अपन को इनके मानों से कोई मतलब नहीं है, यहां पर एक्स की जगह भले ही पचास साठ सत्तर पिचासी अट्ठासी कुछ भी आ जाता तो वैसे ही कटने वाला था। आंसर क्या आएगा, ये जो पी है ना इसका क्यूब करूंगा, माइनस थ्री लिखूंगा और पी लिखूंगा, पी क्या अंडर रूट सेवन, यहां पे ए बी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि आपस में कट जाएंगे वैसे, है ना। तो बस क्या हो गया, ये हो जाएगा सेवन रूट सेवन, ये हो जाएगा माइनस थ्री रूट सेवन, कितना हो जाएगा, सात में तीन या तो चार रूट सात, क्या यही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा, पी क्यूब माइनस थ्री पी, बस खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, कभी कभी फॉर्म आपको बनाकर नहीं देगा, बस दिमाग लगाना है, और दिमाग आप तभी लगा पाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो सेलेक्ट करके मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इन्हीं को दोबारा देखिए, दोबारा कॉपी पेन पे करके देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, एक वन अपॉन सिक्स एक्स बराबर तीन दे रखा है और पूछ रहा है कि एक्स की घात तीन प्लस वन अपॉन दो सौ सात सोलह एक्स क्यूब, बताइए, है ना, यही है। अब क्या करेंगे, देखो साफ दिख रहा है कि ये एक्स है उसका क्यूब हो रहा है, यहां पर छह है उसका क्यूब हो रहा है, हो रहा है क्यूब, तो बस पी क्या है, तीन है, पी का क्यूब करूंगा, माइनस थ्री लिखूंगा। अब क्या है, पी तो लिखते ही थे, थ्री पी
ये तो क्या हो गया, पी क्यूब माइनस थ्री पी, पी क्यूब माइनस थ्री पी। अब यहां पर ए भी और आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये अलग अलग है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो यहां पर तो एक्स है और वहां पर वन अपॉइंट सिक्स एक्स है, ए बी है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है अपन को ना, कि भाई अगर डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो अपन क्या करेंगे, थ्री पी यहां तक तो रहेगा ही, ए बी को और इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो देखो एक्स से तो एक्स कट गया, तीन से ये दो बार कट गया, क्या ये तीन की घात तीन यानी सत्ताईस माइनस तीन बटा दो कितना हो जाएगा, सत्ताईस में से अगर डेढ़ चला जाएगा तो 25.5 हो जाएगा क्या आंसर। आया मजा, आ रहा है मजा कि किस तरह से हुआ, यहां पर ए और बी डिफरेंट वैल्यू थी तो उसको मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया, आपको भी यहां पर करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है और क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अपन, है ना। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है अगला वाला, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये लो 2x प्लस 1 अपॉन 3x। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और करने की कोशिश कीजिए, और जब मैं सॉल्यूशन करूं तब आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, पॉज कर दीजिए। 8 क्यूब प्लस 1 अपॉन 27 एक्स क्यूब की वैल्यू फाउंड करनी है, लो कर लो, पॉज करके कर लो, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा करते होंगे, है ना। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये है कि देखो 2 का क्यूब 8 है, हाँ हो रहा है, 3 का क्यूब 27 है, हाँ हो रहा है, तो साफ लग जाएगा अपना आइडेंटिटी लग जाएगी, ये है पी, पी क्यूब माइनस 3 पी क्या है अंडर रूट 5 है। तो क्या यहां पर मुझे ए बी को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत थोड़ी है क्या, है, क्योंकि ए और बी डिफरेंट है, ये लो 2x और ये क्या है 1 अपॉन 3x, ठीक है, करा दिया इंट्रोड्यूस। तो यहां से तो x चलता बना, 3 से ये 3 चलता बना, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 की घात 3, 5 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 कितना हो गया 3 अंडर रूट 5, क्या किसी को डाउट है, क्या क्लियर हो गया है, 3 अंडर रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही आंसर है, चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे, देखिए अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जब जिन्होंने भी नहीं किया हो। 5 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 3 रूट एक्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है भैया, करो देखो इसको, 125 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 27 एक्स क्यूब फाइंड करो, कर लोगे क्या, हाँ सर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कैसे करोगे, देखो पहले आप ये देख रहा है आपको कि ये क्या है, x की घात 1 बटा 2 है क्या 1 बटा 2, क्वेश्चन में गड़बड़ है शायद, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, यहां पे क्यूब नहीं आएगा, सॉरी गाइस, देखिए यहां पर आएगा x रूट एक्स। अब आपको लग रहा होगा कि वे सही क्वेश्चन है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर x की घात 1 बटा 2 है, वहां पर 3 बटा 2 है, एक ये रही आधी ये रही 3 बटा 2 यानी क्यूब हो रहा है, 5 का क्यूब 125 हो रहा है, 3 का क्यूब 27 हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, अंडर रूट 7 का होल क्यूब यानी पी का क्यूब माइनस 3 पी क्या है अंडर रूट 7, ए बी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, हाँ सर है, क्या हो जाएगा 5 रूट एक्स और 1 अपॉन 3 रूट एक्स, आ रहा है समझ में, देखिए बढ़िया तरीके से आएगा समझ में, आराम से देखिए, है ना, एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा नहीं आ रहा है तो। देखिए अब किससे क्या कट रहा है, 3 से तो ये 3 कट रहा है, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, ठीक है, क्या बच गया, यहां से 7 रूट 7 माइनस ये हो जाएगा 5 रूट 7, ठीक है, बचेगा क्या 2 रूट 7, ठीक है आंसर यही आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं थी, यहां पर रूट एक्स है तो यहां पर एक्स रूट एक्स है, वही है क्यूब हुआ है इसका, तो आंसर हो जाएगा 2 रूट 7, ठीक है कोई डाउट नहीं है, चले आगे, चलिए अब देखते हैं अपना आगे क्या है। आगे देखिए एक, अब अपन नई आइडेंटिटी पे चले क्या, एक सेकेंड, चलो नई आइडेंटिटी ले लेते हैं, कौन सी लेंगे, देखिए प्लस वाली हो गई है क्यूब वाली, अब माइनस वाली लेंगे, माइनस वाली भी आप सबने पढ़ी हुई होगी, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, मन में दोहराइए क्या होता है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी,
हर जगह माइनस माइनस, यहां पर माइनस है तो हर जगह माइनस माइनस, बाकी अगर वहां प्लस था तो हर जगह प्लस प्लस, ठीक है। ये अपन को आइडेंटिटी याद रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन वही बनेगा जैसा प्लस में बन रहा था। कैसा बन रहा था, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर कुछ भी नहीं है ना, बराबर पी दे देगा और बोलेगा कि एक्स की घात तीन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री, बताइए, बता देंगे। कैसे बताएंगे, वही चीज करेंगे अपन भी इसमें, वही अप्लाई करो कि दोनों तरफ पहले क्यूब करके देख लो। कर लिया सर, कर लिया, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो वाली सरसमी का लगा लो, x की घात तीन माइनस वन अपॉन एक्स की घात तीन माइनस थ्री, ए बी क्या है, x है, वन अपॉन एक्स है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी होता है, देखो a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू क्या थी, p तो थी x माइनस एक्स की, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए, बराबर क्या है p क्यूब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइंड क्या करना है, ये यही निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको बराबर में रख दूंगा मैं, बराबर क्या चला जाएगा, पी क्यूब तो वहां था ही, ये प्लस हो जाएगा और बस सब कुछ वही रहेगा। आया मजा भाई, अगर प्लस से प्लस में जा रहे थे तो वहां पर माइनस आ रहा था, माइनस से माइनस में जा रहे हैं तो यहां प्लस आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं होता, उल्टा ही तो करना है। प्लस से प्लस में जा रहे थे तो यहां माइनस हो रहा था, माइनस से माइनस में जा रहे हैं तो यहां प्लस हो रहा है, बस उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। अब बस यहां तक भी आप समझ गए होंगे, अब इस पर बेस्ड अपन करेंगे क्वेश्चंस, चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया तरीके से इस वाली आइडेंटिटी की भी, देखिए कैसे होती है आपकी प्रैक्टिस। अब देखो इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन ला रहे हैं, और ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन हाँ ये रहा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू रूट टू, और वही करो, आ गया बढ़िया क्वेश्चन, हो जाएगा आराम से। माइनस है, माइनस है तो क्यूब से क्यूब में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका तो हो जाएगा क्यूब, यानी पी का क्यूब प्लस, माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री ऐसे कैसे रहेगा, थ्री है ना, और पी, पी की वैल्यू क्या है, दो रूट टू। ए बी, ए बी को दर्शाने की जरूरत है नहीं है, कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखो दोस्तों इसकी वैल्यू हो जाएगी दो की घात तीन करूंगा तो आठ हो जाएगा, अंडर रूट टू की पावर थ्री करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, छह रूट टू हो जाएगा, ये कितना है, आठ दूनी सोलह रूट टू प्लस छह रूट टू, आंसर क्या आ गया, बाईस रूट टू। क्या यही आया है मेरे दोस्तों का, बाईस रूट टू करके देखा था आपने, मैं पॉज करके वीडियो, नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर टू रूट टू था तो एक्स की घात तीन माइनस वन अपॉन एक्स की घात तीन, ये आ जाएगा, क्या लगाया मैंने इसके अंदर, पी क्यूब प्लस थ्री ए बी और पी लगाया बस, और ए बी मैंने यहां लिखा नहीं, क्यों, क्योंकि दिखाने की जरूरत नहीं थी, यहां पे सेम था। चले आगे क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया आगे चलते हैं। आ जाइए, चलिए देखिए बढ़िया क्वेश्चन, टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, पूछ रहा है एट एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एट एक्स क्यूब, हो जाएगा क्या फाउंड, हो जाएगा, बताइए, आराम से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो से क्या आठ हो रहा है, एक्स से क्यूब हो रहा है, माइनस से माइनस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम ये लगा देंगे, ए भी लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा आपस में, सेम है। तो देखो पी क्यूब का मतलब क्या है, रूट थ्री का होल क्यूब प्लस थ्री, पी क्या है, अंडर रूट तीन, तो ये क्या हो जाएगा, तीन रूट तीन प्लस तीन रूट तीन, छह रूट तीन, सिक्स रूट थ्री, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए जिसको भी लग रहा है ना कि अपन फास्ट चल रहे हैं तो प्लीज शुरू से जुड़िए, स्पीड आप अपने वीडियो वन और वीडियो टू को अलजेब्रा को देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि भी हाँ हम कुछ सीख चुके हैं। देखिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स, इसको कर लिया ना अगर तो समझ जाओ कि आपको आइडेंटिटी समझ में आ चुकी है। 27x cube माइनस 1 अपॉन 8x cube, बताइए, अब कईयों को तो लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत रख रखा है, क्वेश्चन गलत है क्या, किसको लग रहा है क्वेश्चन गलत है, भाई मेरे को तो लग रहा है, कैसे,
यार यहां पर मैं एक्स का क्यूब करूंगा तो एक्स का क्यूब तो हो रहा है, लेकिन दो का क्यूब करता हूं तो 27 तो नहीं आता। सबके मन में आया डाउट कि दो का क्यूब करूंगा तो 27 नहीं आएगा, तीन का क्यूब करूंगा तो 8 नहीं आएगा। तो मैंने ये सोचा कि यार क्वेश्चन गलत नहीं है, शायद अपना दिमाग गलत चल रहा है, कि अगर यहां पर दो की जगह तीन ले आऊं, दो की जगह यहां पर तीन ले आऊं, दो की जगह यहां पर तीन ले आऊं, तो यहां पर 27 हो जाएगा क्यूब करने पर, हो जाएगा क्या? हाँ। तो देखो फिर मैंने ये सोचा कि यहां पर अगर मुझे तीन लाना है तो मैं तीन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पर फिर इन्होंने बोला नहीं यार ये दो तो हटेगा ही नहीं, अब इस दो को भी हटाना पड़ेगा। जब तीन इसके अंदर घुसा रहे हो आप, इसके अंदर आप डाल रहे हो, तो आपको दो से भाग भी लगाना पड़ेगा ताकि ये दो कट जाए। ये ऐसा मैंने आपको स्क्वायर वाली नहीं बताया था, ठीक है, शायद पिछली क्लास या फिर पिछली से पिछली में बताया था कि अगर यहां पर अपन को वो संख्या लानी है जिसका क्यूब बने, तो मैं तीन लाना चाहता हूं, तो दो से भाग करना मुझे जरूरी था क्योंकि उस दो को उड़ाना भी था, उड़ गया, तीन बटा दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को लगा चलो मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, लेकिन इन्होंने बोला नहीं यार यहां पर आपने किया है तो इसका पलड़ा भारी हो गया है, इसका पलड़ा भारी हो गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं इसको यहां पे भी गुणा कर लेता हूं, अब तो बराबर हो गया, अब तो मुझे कोई मना नहीं करेगा कि भाई ठीक है आपने गुणा किया, उधर भी कर दिया, कोई परेशानी नहीं है हमको, ठीक है। तो अब देखो ये क्या फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई, दो से तो दो कट गया, तीन एक्स आ गया अंदर, माइनस का चिन्ह था ही, अब ये तीन बटा दो इससे भी तो गुणा होगा, अब इससे गुणा होगा तो क्या होगा, इस तीन से ये तीन कट जाएगा, अंदर हो जाएगा 1/2x। क्या एग्री है सब? फॉर्म बन गई, दो से ये दो कट गया, बराबर में तीन आ गया। क्या अब आप इसको यहां से ये फाउंड कर सकते हो क्या? मैं तो कर सकता हूं, कैसे? तीन का क्यूब करूंगा तो 27 आएगा, दो का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, माइनस से माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगा दूंगा पी क्यू प्लस 3PAB। मैंने ए बी क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर ये डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो पी क्यूब क्या है? तीन क्यूब प्लस तीन, तो ऐसे कैसे, पी भी तीन ही है। ए बी का क्या मतलब है? एक तो 3x है और एक 1/2x है, क्या है, दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें बस x से x कटेगा और कुछ भी नहीं कटेगा, ये 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, प्लस ये भी 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 2, ये हो जाएगा 27 × 54, 54 और 27 कितना हो जाएगा, यहां पे कर लो, 7 × 4 = 11, 5 × 3 = 8, 81 होगा, 7 × 4 = 11, 11 = 1, 8 हो जाएगा 81/2। अब आप कर लीजिएगा जो भी आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए 40.5 हो जाएगा ना। अब देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि इस फॉर्म में इस फॉर्म को बदलना पड़ेगा। कैसे बदला मैंने? 3/2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? ताकि इधर तीन आ जाए और दो कट जाए, फिर वो फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद ये तो आपको पता ही है, पी क्यू प्लस 3AB, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आंसर आप देख लीजिएगा, मैंने सही किया, अगर गलत हो तो कोई बात नहीं, माफ कर देना, है ना, वैसे सही है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बाकी आंसर इसका शायद 40.5 ही आने वाला, और नहीं तो आगे पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आ जाओ मजा आ जाएगा, लो के प्लस 1/(k-5) इज इक्वल टू 7, देन फाइंड k-5 की पावर 3 माइनस 1/(k-5)³, बताइए हो जाएगा कैसे होगा? देखिए मेरे को ऐसा लगा कि नीचे तो भैया बिल्कुल ठीक है, इसका क्यूब करूंगा तो यही आएगा, लेकिन अगर k का क्यूब करता हूं तो k-5 कहां से लाऊंगा, ले आऊंगा क्या, नहीं ला पाऊंगा। तो मुझे एक तरकीब सूझी, अब वो तरकीब क्या सूझी, मैंने सोचा इस पूरे फंक्शन में से मैं एक बार 5 घटा के देख लेता हूं, 5 घटाया मैंने, मैंने बोला के तू इसमें से 5 घटा दे, ठीक है, और यहां पर ऐसे कैसे रहेगा, ये घटा रहा हूं, गुणा नहीं कर रहा हूं कि दोनों से होगा, घटा रहा हूं तो कहीं भी एक जगह करना है, ठीक है, ये लो। अब इन्होंने बोला कि यार आपने इसमें से 5 घटा दिया तो मेरा पलड़ा तो कमजोर हो गया, पहले मैं 7 के बराबर था, अब तो 7 के बराबर हूं ही नहीं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 7 में से 5 भी घटा लेते हैं, अपने क्या जा रहा है, यहां घटाया तो यहां भी घटा लेते हैं, हाँ अब बराबर हो गया। तो क्या बराबर हो गया, ये हो गया k-5 + 1/(k-5) बराबर में 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये k-5 है, ये k-5 का होल क्यूब है, ये 1/(k-5) है, ये 1/(k-5) का होल क्यूब है।
क्या लग जाएगा, पी क्यूब प्लस, यहां पर प्लस है क्या, माइनस होगा, प्लस है और यहां पर भी प्लस ही है, ठीक है, क्वेश्चन में इतनी सी थी। तो अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पी क्यूब माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, पहले वाली आइडेंटिटी पर है, पी क्यूब माइनस थ्री पी हो जाएगा, बस ए बी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यूब का मतलब है दो का क्यूब माइनस थ्री पी, क्या है यहां पर दो, कितना आंसर हो जाएगा, आठ माइनस छ बराबर में दो, आंसर हो जाएगा क्या, दो ही आंसर है, बिल्कुल दो आंसर है, ठीक है। कैसे किया, देखिए k माइनस फाइव है, इसको भी k माइनस फाइव में बदला, अब यहां पांच घटाया तो यहां भी घटाना पड़ा बस, और यहां पर देखो क्या था, प्लस से प्लस में जा रहे थे तो ये वाला फॉर्म माइनस वाला लगेगा, उल्टा होता है, माइनस से माइनस में जाते हैं तो ये वाला फॉर्म प्लस हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, सॉरी देखिए लास्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है और अच्छा क्वेश्चन है, फिर अपन कल करेंगे बढ़िया वाली दूसरी आइडेंटिटी, या इस पर कुछ दूसरी तरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना उसको ले आऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो क्या है, k माइनस सेवन प्लस k प्लस थ्री, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से कीजिएगा, आएगा मजा आएगा, अब हिलेंगे दो तीन, तो सही क्वेश्चन उतारा है मैंने, थोड़ा सा गलत उतारा है, हाँ चलो आ जाओ कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा, हो गया, देखिए कैसे होगा। अब नीचे वाला सेम है, हाँ है, ऊपर वाला सेम नहीं है, हाँ नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखिए एक दिमाग मैंने सोचा कि मेरे को k प्लस तीन में बदलना है इस k माइनस सात को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को लगा कि मैं यहां पर अगर प्लस दस कर दूं, सोचो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, प्लस दस अगर कर देता हूं, प्लस दस अगर कर देता हूं तो दस में से सात जाएंगे तो तीन बचेंगे, प्लस दस अगर कर देता हूं तो सात जाएंगे तो तीन बचेंगे, इसके साथ बराबर हो जाएगा। अब यहां पे प्लस दस जोड़ दिया, वो तो नाराज हो जाएगा, मैंने बोला अरे मत हो नाराज भाई, तेरे पास भी जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, ये दस तो फ्री का आया ना हमारे पास, हमने पता नहीं कहां से लिया है, किसी से उधार ही लिया होगा, ये लो प्लस दस इसको भी दे देते हैं। तो अब बराबर हो गया केस, कैसे हो गया, k तो k रहेगा, 10 में से 7 गया तो 3 प्लस का 3 प्लस 1 अपॉन k प्लस 3 बराबर 10 में से 7 गया तो 3। अब अपन देख सकते हैं कि इससे ये वाली फॉर्म आराम से बन जाएगी, इसका क्यूब बनेगा क्या, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो p क्यूब माइनस 3p, a b को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, तो p क्या है 3 इसका क्यूब माइनस 3p क्या है 3, क्या हो जाएगा 27 माइनस 9 18 आंसर, आ गया मजा आ गया क्या, मजा आ गया हो तो लाइक कर देना, दिल से इसको शेयर कर देना, और देखिए बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छी अप्रोच है, आराम से देखिए एक एक चीज को पढ़ेंगे और एलजेब्रा को पूरा पढ़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे ढंग से, तभी नया टॉपिक लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आज के सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा आपका आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।